हुआ, ठीक है। नाउ ओके सर, सर वी डू वी नीड टू राइट, डू वी नीड टू हैव राइट और वी कैन जस्ट लिसन? यू, दैट्स योर विश, बिकॉज एंटायर रिकॉर्डिंग वुड बी शेयर विद यू। ओके एंड सर विल बी वी गेटिंग एनी बुक फॉर इट लाइक फॉर मैं आपको बुक्स कोरियर करवा दूंगा, ठीक है। सो ओके आप सर, ओके पैटर्न सर, पैटर्न आपको हम बुक्स कोरियर मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, ठीक है। ओके सो सर, ओके एंटायर नोटपैड जितना भी मैं लिख रहा हूँ आई विल शेयर विद यू, इज इट क्लियर टू? एंड ओके एंटायर सर, रिकॉर्डिंग आई विल शेयर विद यू, इज इट क्लियर टू यू? ओके सर, ओके, सो यस सर, ओके यस सर, ओवर हियर, सो इट इज जस्ट यू टू फोकस इन योर क्लास, नो नीड टू राइट डाउन। इफ यू वॉन्ट टू राइट डाउन दैट्स फाइन, बट यस एंटायर नोटपैड आई विल शेयर विद यू। सो ओवर हियर ओके सर, we are doing the verbs right now, because in a language verbs play a vital role, very important role. If I know, for example, if I say I want to see, I want to go, I can do this, I can do that, it means in a very starting age you can speak the language. Is it clear to you? yes So sir, with the help of verbs you can speak the language. Is it clear to you? So first we have, I will explain to you, because in French we have a ending verbs. So first, in French language, we have ER ending verb. Okay. So ER ending verb, we have donner. Donner is to give. Donner is to give. Is it clear to you? Clear हुआ? yes sir, अब देखो, yes sir. मेरे सामने कुछ वर्ब्स हैं विच आई विल एक्सप्लेन टू यू। आपको इन वर्ब्स को बोलना होगा मेरे साथ साथ, द मोमेंट यू विल स्पीक अप एंड यू विल डू प्रैक्टिस, ठीक है। बिकॉज फर्स्ट डे जब मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास को, तो हम सेशन थोड़ा हैवी नहीं करते हैं, तो एटलीस्ट आपको गैस हो, ठीक है, लैंग्वेज है ना। नाउ वी हैव फर्स्ट वर्ब विच इज आबेसे। आबेसे इज टू लॉर, टू पुश, टू पुल डाउन। आबेसे, आबेसे, व्हाई? बिकॉज वी हैव ई आर एनी वर्ब इज आबेसे। रिपीट आफ्टर मी, आबेसे इज टू पुल डाउन। रिपीट आफ्टर मी, आबेसे इज पुल डाउन, अबेसे टू टू पुल डाउन, पुश डाउन, टू पुश डाउन, टू पुल डाउन, टू लॉवर, टू बेस, आबेसे, टू लॉवर। इज इट क्लियर टू यू? यस सर, आबी में इज टू रून, विच इज टू डैमेज कर देना। आबी में, आबी में इज अभी डैमेज नहीं, कर देना, रून। ओके, एमे, रिपीट आफ्टर मी, एमे, एमे, एमे एमे, एमे इज टू लाइक। स्पीक आफ्टर मी, आरीवे, बोलो मेरे साथ, अरिवे, आरीवे। आरीवे अरिवे, इज टू अराइव, से क्लियर? नाउ तो स्पीक अप, बुझे, बोलो बुझे। मुझे मूव, बुझे इज टू मूव, टू मूव, मूव, करना, बुझे, बुझे इज टू मूव। स्पीक आफ्टर मी, ब्रश, ब्रोसे इज टू ब्रश, टू ब्रश योर टी, टू ब्रश योर हेयर। सो ब्रोसे, क्लियर? नाउ स्पीक अप, शोंजे, बोलो शोंजे। इज नॉट चेंजे, इज शोंजे। व्हाई शोंजे? बिकॉज ए एन साउंड इज ओम। रिपीट आफ्टर मी, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ब्स वी विल कवर टू थिंग्स। वन इज योर वर्ब, वन वी हैव साउंड्स। सो ए एन साउंड इज ओम विच इज शोंजे। शोंजे इज टू चेंज। इज इट क्लियर टू यू? नाउ शोंते, 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 व्हाई शोंते? बिकॉज ए एन साउंड इज ओम। ओह शोंते, शोंते इज टू सिंग, गाना गाना। सेम, ठीक, क्लियर हो रहा है आपको? ओके, नाउ रिपीट आफ्टर मी, आबेसे इज टू लॉर्ड एंड टू पुश डाउन एंड टू पुल डाउन। आबीमे इज टू रोन, क्लियर? रिपीट आफ्टर मी, आबेसे, एमए अबैसे, आबेसे, आबीमे। रिपीट आफ्टर मी, आबीमे, अभी आबीमे, मैं क्लियर? सर, व्हाई देयर इज दिस एक्सेंट ओवर अभी में यस, आए? आई विल एक्सप्लेन टू यू दिस एक्शन, आई विल एक्सप्लेन, राइट? ओके, बिकॉज वी आर सेइंग आबी में, आई विल एक्सप्लेन टू यू दिस थिंग, ओके? ए में, बिकॉज वी हैव अ स्ट्रेच ऑफ द वर्ड, एंड बिकॉज वी विल डू एक्सेंट एंड विल एक्सप्लेन टू यू अभी, ओके? ओके, नाउ शोंते, शोंते, बुझे, ब्रोसे, स्पीक अप प्लीज, इसको रिपीट करो आप, रिपीट इट प्लीज। भूजे प्रोसे शांजे शांते, वेरी गुड। नाउ लेकिन ये तो मेरी वर्ब्स हैं, लाइक आरी मूव, इफ आई से आई मूव, आई ब्रश, सो बेसिकली वी हैव एग्जाम्पल ओवर हियर,
Parley is my verb to talk and to speak. Parley. Speak. Have you done tomorrow? E-E-S-E-O-N-S-E-Z-E-N-T. Have you done tomorrow? Oh, sorry, yesterday. We did yesterday? Okay, I will explain to you. You know, in French language, meri baat dhyan samajhna, jo meri e-earning verb hai, uska formula hai. Uska formula hai present tense ka. So basically, we have a formula in present tense of e-earning verb. My dear teammates, understand. Basically, for example, we have verb parler. So you know, this is ending from er. So as a rule, my teammates, मैं जब उसको कन्वर्ट करूंगा लैंग्वेज को ना आई स्पीक बिकॉज फ्रेंच में क्या है वी हैव अ फुल वर्ब पैटर्न लाइक पार्ले इज माय फुल वर्ब टू टॉक व्हिच वी कॉल्ड एज पेरेंट वर्ब लेकिन जब मैं अपना कॉन्जुगेट करूंगा आई टॉक यू टॉक तो मेरा क्या होगा मुझे एक रूल बनाना है कि मुझे अपना ER हटाना पड़ेगा जैसे हिंदी में क्या है बोलना एक मेरी क्रिया है बोलना तो मैं क्या करता हूँ बोलता बोलती क्लियर बोलते करता हूँ so, मैंने क्या किया मैंने नाक हटाया और यहाँ पे ता तिपती लगा दिया क्लियर हुआ आपको yes, sir. ऐसे ही मेरा फ्रेंच में है समझ आ रहा है कि बोलना जो मेरा है देखो हिंदी में क्या है बोलना मेरी फुल वर्ब क्या है पार्ले अगर मेरा अगर मैं बोल रहा हूँ हिंदी में मैं बोलना हूँ आप बोलोगे नहीं मैं बोलना नहीं तो मैं बोलता हूँ होता है मैं बोलूंगा क्यों बोलना तो बोलना है आप बोलोगे नहीं बोलना तो मेरी एक क्रिया है लेकिन जब मैं इस क्रिया को कन्वर्ट करता हूँ सब्जेक्ट के साथ आई वी के साथ तो मेरा एंडिंग चेंज हो जाता है विच इज ता ते ती क्लियर हो रहा है आपको ऐसे ही फ्रेंच में है हमारा मेरा एक वर्ब है पार्ले विच इज ई आर एंडिंग वर्ब जैसे हिंदी में क्या है बोलना चलना खाना पीना ना 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 से एंडिंग हो रही है इंग्लिश राइट ऐसे ही मेरा फ्रेंच में ई आर से एंडिंग होता है वर्ड से क्लियर जब मेरा ई आर पे कोई भी चीज वर्ब मेरी मानो फॉर एग्जाम्पल वी आर वर्ब ई आर राइट सो मैं ई आर को हटा के क्या फॉर्मूला लगाऊंगा मेरे साथ साथ बोलो ई आर का क्या फॉर्मूला है E, बोलो E, E S E, E, E S E, O N S E, E Z O N S E N T. This E Z E N T. जैसे हम हिंदी में क्या करते हैं ता ते ती, ऐसे ही मेरा फ्रेंच में फॉर्मूला है E, E S E. बोलो मेरे साथ में E, E, E S E, E S E. Now, je is to I. Have you done yesterday? Je is to I. Tu is to you. Okay, I will explain to you. I will explain over here. Now, basically, अब मैं आपको समझा रहा हूँ subject. I को हम बोलते हैं ज इन फ्रेंच ज रिपीट इट ज ज बोलो ज यू को बोलते हैं ट्यू बिकॉज ट्यू वी हैव टू इनफॉर्मल वर्जन ऑफ यू इज ट्यू क्लियर यस आई इज टू ज यू इनफॉर्मल इन हिंदी वी हैव टू विच इज ट्यू क्लियर ही एंड शी He and she को हम बोलते हैं ill, we have he and L we have she. Is it clear to you? He we have ill, yeah. She we have L. Clear? We. We को हम बोलते हैं nu. Nu. बोलो nu. बोलो nu. No. We will not pronounce S at the end. ध्यान रखना, your consonant ending would be silent. Clear? Is it clear to you? Now, yes, woo. Oh, sorry. Now we have you formal. You formal, we have woo. So, you informal, we have tu. You formal, we have woo. Is it clear to you? Now we have they. We have plural. Now, you know, like in English, we have boy, boys, girl, girls. ऐसे ही मेरा they जो है वो ill हो सकता है मतलब बहुत सारे लड़के ill we have he.
और दे मेरा एल हो सकता है, बहुत सारी लड़कियां, एल वी एफ शी. अब प्लूरल है तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, एस लगा देंगे. क्लियर. लेकिन एस जो है मेरा प्रोनाउंस नहीं होगा, हम बोलेंगे इल और एल ही. इज इट क्लियर टू यू? इल एल. ओके, क्लियर हो रहा है आपको? यस सर. हां जी सर. अब मेरे साथ साथ बोलो, ज इज टू आई, ज इज टू आई, यू इज टू थ्यू. क्लियर. यू. क्लियर. इल इज टू ही. इल इज टू ही. एल इज टू. एल इज टू शी. क्लियर. न्यू is to we, huh? And view is to you. Yes, and in L we have plural. Clear? Is it clear to you? Yes. Sir, I have a doubt in you formal. I am not understanding that. देखो क्या होता है, to we have to, who we have a. समझ आया? Whenever you are talking to your elder ones, बड़ों से बात कर रहे हो आप. जैसे आपने मुझे बोला कि सर आप मुझे समझाओगे, तो आप बोल रहे हो आप, that आप we have. okay, okay. क्योंकि हमारे हिंदी दो प्रकार के यू हैं, तू और आप. ऐसी मेरा फ्रेंच में है, वो मैं यूज करता हूँ जब आप किसी बड़ों से बात कर रहे हो या किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो. वो यू जब आप किसी छोटे से बात कर रहे हो, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, दैट इज तू, तुम. ओके सर. क्लियर. यू. यस सर. अब देखो हमने फॉर्मूला किया है ई रनिंग वर्ब का, विच इज ई एस ई ओ एन एस इज एन. यस. आप क्या करोगे, ये ई आर यहाँ से हटा दोगे. जैसे ई आर रनिंग वर्ब है तो ER को यहाँ से हटा दोगे. जब आप ER हटाओगे तो आपके पास PARL बच गया. क्लियर. तो आप क्या करोगे, Y के साथ PARL उतार लोगे, Q के साथ PARL उतार लोगे खाली, अभी E वाला नहीं उतारना ये. क्लियर, समझ आ रहा है आपको? IL L के साथ PARL उतार लोगे, NU के साथ PARL उतार लोगे, WU के साथ PARL उतार लोगे, क्योंकि आप ER हटा दिया ना आपने, तो क्या बच गया, PARL बच गया आपके पास. क्लियर हो रहा है आपको? Yes, और आप ये जो एंडिंग है फिक्स कर दोगे, ई ई एस ई, इट मींस पहला जो ई है दैट इज योर कंजुगेशन विद आई, जो ई एस आपका एंडिंग है दैट इज कंजुगेशन विद टू इनफॉर्मल, तीसरा जो ई है दैट इज विद ही एंड शी. क्लियर. जो ओ एन एस एंडिंग है वो आपका क्या है, नू के साथ जाएगा, हम के साथ. जो ईजेड एंडिंग है वो किस साथ जाएगा आपका, वो के साथ. और जो के साथ जो किया जाएगा, ई एन टी. क्लियर हुआ आपको ये चीज? इज इट क्लियर टू यू? मैं आपको अभी और एक्सप्लेन करूंगा. इतना समझ आया आपको थोड़ा बहुत? यस सर. देखो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा. ये फर्स्ट वन के साथ सर ओनली ई लगना है, जैसे हाँ, पार्ले. जैसे मान लो मैं आपके से एक वर्ब है एमए, राइट? एमए इसमें वर्ब टू लाइक. अब आप क्या करोगे, यहां से ईआर हटा दोगे, आपके पास ए आई एम बच गया. क्लियर. क्योंकि आपको ईआर हटाना है जब आप वर्ब को कंजुगेट करते हो. जैसे बोलना है, आप कन्वर्ट करो, मैं बोलता हूं, तो बोलना ना हटा के ता लगा रहे हो, तो आपके पास बोल बच गया, बोल. क्लियर, समझ आ रहे हैं आपको? यस सर. यस सर. अब जब ईआर हटाओगे तो आपके पास ए आई एम बच गया. क्लियर. तो यहाँ पहले आप सारा लिख दो, ज Chu, sure. U, Il, L, clear. Then we have Il, L. मतलब हम, no. Wu, then Wu, and Il, L, plural, plural. Clear हुआ आपको ये चीज? Yes, sir. Clear. अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? यहाँ पे एक AIM उतार लोगे, यहाँ से उतार लो AIM. Right. आपको मैं फॉर्मूला सिखा रहा हूं इसके साथ है, ठीक है? फर्स्ट के साथ ही आ जाएगा ए आई एम ई. वेरी गुड. तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, ई, क्योंकि मेरा ई क्या आ जाएगा, फिर ई एन जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, ए आई एम ई एस ई, फिर क्या आ जाएगा, ओ एन एस, फिर क्या फॉर्मूला है, फिर ई ओ एन एस, फिर ई जेड, फिर ई एन टी. इज इट क्लियर टू यू? Yes, इसमें एक चीज आपको समझनी है, बहुत जरूरी है. जब हमारे जैसे मेरा कोई भी अक्षर वोवल पे खत्म हो रहा है, ई पे खत्म हो रहा है, और अगला अक्षर वोवल पे ही शुरू हो रहा है, क्लियर, उस केस में आप एक वोवल हटा दोगे
और उस वर्ड को आप ला पोस्ट ऑफ़ क्रिएट कर दोगे, पोस्ट ऑफ़ क्लियर हो रहा है? ओके क्लियर हमारे एक्सेप्शन व्हेन देयर आर टू वोवल्स टुगेदर वी हैव टू हां वी हैव टू एलिमिनेट वन वोवल एंड दैट वन वोवल विल कंजुगेट लाइक ला पोस्ट ऑफ़ बोलते हैं, अ पोस्ट ऑफ़ को बोलते हैं ला पोस्ट ऑफ़ क्लियर। अब इसी और समझना, जब हमारा कोई भी अक्षर कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहा है, कॉन्सोनेंट पे जे मेरा कॉन्सोनेंट है और अगला अक्षर मेरा वोवल है, तो मैं साउंड को कंबाइन करूंगा, क्या बोलूंगा, ये, क्योंकि ए आई का साउंड क्या है, ए, ए, तो क्या बोलूंगा, जैम, जैम, क्लियर हो रहा है आपको, जैम। अब च्यू एम, च्यू और इल एल में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा आपका, जैसे यहां भी वोवल पे खत्म हो रही है, यू वोवल है, ए पे हमारा क्या हो रहा है, ए पे हमारा वोवल है, लेकिन यहाँ पे हम क्यू और खाली क्यू और इल एल की कॉन्जुगेशन में हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? सो बोलो यम, मेरे साथ बोलो यम इज टू आई लाइक, यम, यम का मतलब है आई लाइक, क्लियर हो रहा है? क्यू एम इज टू यू लाइक, क्लियर हो रहा है आपको, यू लाइक, ओके राइट। नाउ इल एल एम, इल एल एम इज टू ही शी लाइक्स, क्लियर हो रहा है आपको, क्लियर, राइट, ओके। नू जेमो इज टू नू जेमो, क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरा अक्षर कॉन्सोनेंट है, अगला अक्षर वोवल है, तो कंबाइन हो जाएगा ज जा, नू जेमो, नू एमो नहीं होगा, बोलो नू जेमो, स्पीक अप, नू जेमो इज टू वी लाइक, इज इट वी लाइक, ओके, राइट। वू जेमे, is it clear to you? Who's a they like? Yes. Is it clear to you? Yes. Sir. No, sir. No, sir. Me, I didn't get. देखो, एक सेकंड होल्ड करना बताता हूँ। Now, who's a me? Woo zeme is to you like. Now, what is this? Nu zemo. मेरी बात को समझना बिल्कुल ध्यान से, क्या है ये? आपको पता है कि फॉर्मूला है E E S E O N S E Z E N T, ये फॉर्मूला है आपका, क्लियर? Yes, sir. तो हमारा एक रूल है कि जब कोई भी अक्षर आपका कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहा है, लाइक एस पे खत्म हो रहा है, राइट, और अगला अक्षर वोवल है, तो आपको साउंड को कंबाइन बोलना है, नू जेमो, क्लियर? हमने साउंड को क्या करना है, कंबाइन करना है। Why are we pronouncing it as z? Like it's s? नहीं, इसको z बोलेंगे, नू जेमो, नू सेमो नहीं बोलेंगे, नहीं, नू जेमो, that's a rule कि मेरा s a का साउंड बनता है za, नू जेमो, वू जेमे, I cannot say वू सेमे, no 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 no, वू जेमे, clear? And il el zem. Il el zem. क्योंकि यहाँ पे मेरा एस और ए कंबाइन हो रहा है, इज इट क्लियर टू यू? क्लियर? नाउ रिपीट आफ्टर मी, जेम, जेम, यम, च्यू एम, च्यू एम, बोलो च्यू एम, च्यू एम, इल एल एम, इल इल एल एम, नू जेमो, बोलो नू जेमो, नू जेमो, वू जेमे एंड इल एल, वू जेमे, इल एल, इल एल जेम, इल एल, इल एल जेम, जेम, इल इल एल जेम, इज इट क्लियर टू? बिकॉज़ एन ओ टी यहां पे मैं प्रोनाउंस नहीं करूंगा क्योंकि मेरा कॉन्सोनेंट, क्लियर हो रहा है आपको, क्लियर? ओके यस सर। सो अब फॉर एग्जांपल वी हैव अ वर्ब मोजे, मोजे इज माय वर्ब टू ईट, मोजे, क्लियर? बोलो जुए, जुए इज माय वर्ब टू प्ले, क्लियर हो रहा है आपको, राइट, क्लियर? अब देखो ये मेरी ईयर रनिंग वर्ब है, अब अगर मैं बोलता हूँ कि मैं खेलता हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं ईयर यहाँ से हटा दूंगा, क्लियर? तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, ज मतलब आए, जे ओ यू, ई लगाऊंगा मैं ज के साथ, टेल मी यस एंड नो,
ट्यू के साथ क्या लगाऊंगा, जे ओ यू ई एस लगाऊंगा, क्लियर हो रहा है आपको, फॉर्मूला है ना हमारा ई ई एस ई, हाँ जी समझ आ रहा है आप सभी को, हाँ जी सर आ रहा। अच्छा नू के साथ क्या लगाऊंगा मैं, नू ओ एन एस, क्लियर, ओ एन एस, क्या लगाऊंगा मैं, ई जेड, सिंपल है, इट इज जस्ट आपको फॉर्मूला ही तो लगाना है, क्लियर, और इल एल एस एंड ई एन टी, सो मेरे साथ बोलो जे यू, ओ यू साउंड इज ऊ, लिख लो प्लीज, ओ यू का साउंड क्या है, ऊ, ओ यू का साउंड क्या है, ऊ, जे यू, क्लियर, ट्यू यू, क्लियर, जे यू, राइट, ट्यू यू, क्लियर, नू यू वों, नू एल एल यू Nous jouons. S would be silent. No. Vous jouez. Clear? And il, elle joue. क्योंकि EZ का साउंड भी A है ना हमारा. हमने कल किया था साउंड्स कि कौन कौन साउंड थी हमारी. ER sound. EZ sound. Clear? Is A. Clear हो रहा है आपको? Is it clear to you? And don't worry, entire session is under recording. जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आप रिकॉर्डिंग ओपन करना, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग, क्लियर, इज इट क्लियर टू यू, डे वन डे टू से मैं रिकॉर्डिंग आपको शेयर करूंगा, तो आप जब प्रैक्टिस कैसे करोगे, यू हैव टू ओपन द रिकॉर्डिंग इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि उस टाइम पे रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होगा, जो नहीं समझ आया दोबारा बैक जाओगे आप, उसको दोबारा बोलोगे आप, और आपको डेली बेसिस पे क्या करना है, आपको लिख लिख के मुझे प्रोजेक्ट व्हाट्सएप पे डालने हैं, क्लियर, और अपना वॉइस भी डालना है कि जैसे ज यू बोलो, ज यू, ट्यू यू, ज यू, ट्यू यू, इल एल यू, इल एल यू, नू यू, नू यू, नू यू, वू यू, बोलो ओ एन वू यू ए, एस वुड बी साइलेंट, नू यू हो, बोलो नू यू हो, नू यू हो, वू यू ए, बोलो वू यू ए, वू यू ए, वू यू ए, समझ आया, इल एल यू ए, इल एल यू, इल एल यू, सिंपल, क्लियर हो रहा है आपको, यस सर, ठीक है, अब देखो हम वर्ब्स कर रहे हैं कुछ, मेरे साथ साथ बोलनी है आपको वर्ब्स, क्लियर, नाउ मेरी वर्ब है जैसे शोंते, शोंते मेरा वर्ब है गाना गाना, टू सिंग, क्लियर हो रहे हैं, शोंते, शोंते का मतलब क्या है, गाना गाना, टू सिंग, क्लियर, शर्शे, शर्शे मेरी वर्ब है टू लुक फॉर, सर्च करना, शर्शे, शर्शे इज अ लुक फॉर, क्लियर, कोमोंसे, बोलो कोमोंसे, 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 यस, क्योंकि ईएन का साउंड है ओ, लिख लो प्लीज, ईएन का साउंड क्या है हमारा, ओ, क्लियर हो रहा है आपको, क्लियर, यस सर, ओके, सो ईएन का साउंड है ओ, कोमोंसे, कोमोंसे इज टू बिगिन, कोरिजे, कोरिजे इज टू करेक्ट, क्लियर, कोरिजे, कोरिजे इज टू करेक्ट, इज इट क्लियर टू यू, डोंसे, डोंसे इज टू डांस, क्लियर, दमोंदे, दमोंदे इज टू रिक्वेस्ट, ask, to ask. दमोंदे, हमने कल किया था ई के साउंड्स, कल करी थी, कल हमने ई की साउंड्स, टेल मी यस एंड नो, यस सर, तो देखो ए, यस, अब देखो यहाँ पे क्या है, यस, अब देखो यहाँ पे क्या है, ई के ऊपर ए का साउंड है, ई के ऊपर आपका ए का साउंड है, दैट इज दे तस्ते, दे, दे तस्ते, ए का साउंड है ना, मतलब ई के ऊपर, देखो मैं दोबारा पढ़ता हूँ आपको, यस सर, कि वी हैव फोर टाइप ऑफ ई इन फ्रेंच, राइट, राइट, दैट फर्स्ट ई साउंड इज अ, मेरा ई कोई भी एक्सेंट नहीं है, दैट इज अ सिंपल, लेकिन मेरा ई पे अगर एक्सेंट है, राइट हैंड साइड जा रहा है, बॉटम टू टॉप राइट हैंड साइड दैट इज ए, बॉटम टू टॉप लेफ्ट हैंड साइड दैट इज ए, और अगर हमारी एक ऐसी फिगर बनी हुई है, हैट शापो, दैट इज ए, क्लियर हुआ, ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, ए का फिगर है, दे तस्ते इज टू हेट, दोने इज टू गिव, ए कूते,
Ekute is to listen. Clear. To listen to. Efase is to erase. Mita dena. Efase. Ye verbs karni hai aapko. Clear. Efase is to erase. Mita dena. Etudie is to study. Ab main dekho, एक वर्ब कंजुगेट करता हूं फिर आप करोगे कंजुगेट. जैसे मेरी वर्ब है ए तू दिए. क्लियर. अब यहां पे ए तू दिए में ई के ऊपर हमारा ए साउंड है. क्लियर. लेकिन जब मैं इसको कंजुगेट करूंगा तो क्या करूंगा मैं ई टी यू डी आई ई ई टी यू डी आई ई. क्लियर. So, यहां पे क्योंकि यहां पे पोस्ट ऑफिस क्यों आया क्योंकि मेरा य जो है वो ई पे खत्म हो रहा है और वोवल दोनों इकट्ठे आ गए तो पोस्ट ऑफिस चला जाएगा. क्लियर हुआ आपको? यस. क्लियर हुआ मैडमोजेल? यस. तो यहां पे इसको साउंड को कंबाइन कर देंगे ये तू दी. क्यों? क्योंकि ये मेरा कॉन्सोनेंट है और ये मेरा वोवल है तो ये तू दी. क्लियर हो रहा है? Yes, sir. अब ट्यू सर क्या बनाओगे? ट्यू आप लिखोगे ट्यू ई टी आई ई क्योंकि ईआर हटाना आपने तो ई एस लगाओगे तो क्या हो जाएगा ट्यू ए ट्यू दी. क्लियर हो रहा है आपको? Yes, इल एल ए ट्यू दी. इल एल ए टू दी एंड ए टू दी क्योंकि ई का क्योंकि ई एल के साथ भी ए ही ई आएगा हमारा. क्लियर. ई यस. क्लियर. अब मैं नू की बात कर रहा हूं हम की नू. सो नू जे टू दी हूं. सो ओवर नू जे टू क्योंकि ईजेड का साउंड क्या है ए. आपको रिकॉर्डिंग देखनी है अभी जो मैं आपसे शेयर करूंगा. राइट. एंड ओ एन ओ. क्लियर. एंड इल एल प्लूरल. क्लियर. ए थ्यू दी सिंपल. इल एल जे थ्यू दी. इल एल जे थ्यू दी बिकॉज वी हैव एस और ई को हम कंबाइन करेंगे. क्लियर. सो ऐसे आपको ये वर्ब कॉन्जुगेट करनी है. जैसे मेरी वर्ब है फेलिसिते. फेलिसिते भी है वर्ब टू कांग्रेचुलेट. फेलिसिटासियों बोलो. फेलिसिटासियों मेरे साथ साथ बोलो. फेलिसिटासियों. फेलिसिटासियों इज कांग्रेचुलेशन. तो कुछ कुछ चीजें मैं आपको सिखाता रहूंगा. फेलिसिटासियों बोलो. फेलिसिटासियों. एंटायर सेशन इज अंडर रिकॉर्डिंग. जब आप सेशन के बाद क्योंकि मैं ज्यादा आज हैवी सेशन नहीं करूंगा. फर्स्ट डे है क्योंकि आपके आपको समझ में आना चाहिए कि आपके बहुत ही ऊपर से चला जाए. राइट. टारगेट मैं आपको दूंगा अभी ये करने के लिए. फेलिसिटासियों वी हैव कांग्रेचुलेशन. सो वी हैव वर्ब फेलिसिते. वी हैव टू कांग्रेचुलेट. क्लियर. क्लियर हो रहा है आपको? यस. फेते. फेते वी हैव टू सेलिब्रेट करना. फेते. फेते वी हैव सेलिब्रेट करना. गाइने बोलो. गाइने बोलो. गाइने बोलो. गाइने. गाइने. गाइने इज टू विन एंड टू अर्न. इज इट विन. गाइने. क्लियर हो रहा है? ये ग्ली से नहीं करना भी आपको. क्लियर. गाइने इज टू विन बोलो. अच्छा कोई भी अक्षर आपका एच पे शुरू हो रहा है. एच पे जो अक्षर शुरू हो रहा है वो आपका साइलेंट रहेगा. क्लियर. ध्यान रखना कोई भी अक्षर आपका एच पे शुरू हो रहा है वो क्या रहेगा आपका साइलेंट. साइलेंट तो क्या हो जाएगा? आ बीते बोलो. आ बीते. आ बीते टू लिव. क्लियर बोलो. सर व्हाई गाइने व्हाई लाइक ए जी जी ए जी इज देयर. हां तो गाइने.
क्योंकि जी ए गा गई ने दैट्स क्योंकि हमारा ये प्रोनाउंसिएशन है ना क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ब यू विल कम टू नो द साउंड सो बेसिकली जी एन साउंड इज नय लैंग्वेज में क्या है आपको साउंड्स का कैप्चर करना नय जी एन साउंड इज नय मतलब हाफ न और य नय तो गाई ने अब गा ने नो गाई ने दैट्स आपको ये प्रैक्टिस करना है क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको प्रैक्टिस करने की गाई ने बोलो गाई ने गाई ने जी एन साउंड इज नय गाई ने इज टू विन यूए यूए इज टू प्ले बोलो यूए 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 मोंजे इज टू ईट बोलो मोंजे इज टू ईट एंड मोंके मोंके इज टू मिस मोंके क्लियर हो रहा है नाउ अब आपका टास्क क्या है सबसे पहले मैं आपको क्योंकि आज वेरी फर्स्ट डे है राइट तो बहुत बड़ा टास्क आपको आज मिलने वाला है आपसे मैं अभी रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ एंटायर पूरा सेशन आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ ये जो हमने अभी किया है उसका लिंक शेयर कर रहा हूँ आपको रिकॉर्डिंग दोबारा से देखनी है क्योंकि आपके डाउट्स होंगे क्लियर आपको वो रिकॉर्डिंग दोबारा से देखनी है नंबर एक ठीक है उसके बाद जब आप रिकॉर्डिंग देख लोगे आपको समझ आ जाएंगी ऑब्वियस बात है आपको पहली 10 verbs कोई भी 10 verbs कॉन्जुगेट करनी है प्रेजेंट टेंस में कर सकते हो टेल मी यस एंड नो यस कर सकते हो नाउ बट आई एम गोइंग टू डू इज नाउ आई एम गोइंग टू शेयर अ रिकॉर्डिंग विद यू ऑफ दिस सेशन क्लियर इज इट क्लियर टू यू क्लियर यस क्योंकि सेशन में एटलीस्ट आपके पास अभी 30-40 वर्ब्स आपके पास आ चुकी हैं अभी 30-40 वर्ब्स आपके माइंड में फिक्स होनी चाहिए इज इट क्लियर टू यू राइट सो अब क्या होगा अब आप क्या करोगे आप इन वर्ब्स को मेरी बात को ध्यान समझना 10-20 कर लोगे तो बहुत बढ़िया बात है एटलीस्ट 10-20 वर्ब्स आप अब कॉन्जुगेट करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजोगे जैसे आपने लिख ली कॉपी पे कैमरा क्लिक करो मुझे भेजो आप इज इट क्लियर टू यू ठीक है सो मैं आपसे अभी 5 मिनट तक एक यही लाइव सेशन शेयर कर रहा हूँ उसको देखना है दोबारा से और 20 वर्ब्स एटलीस्ट मुझे कॉन्जुगेट करके भेजोगे और साथ में कोशिश करो कि जैसे आपने एक वर्ब ली पकड़ी मान लो सर्चे राइट अब सर्चे इसमें वर्ब टू सर्च क्लियर अब आप इसको कॉन्जुगेट कर रहे हो कैसे करोगे कॉन्जुगेट आप सी एच ई आर सी एच आप ईयर हटा दोगे क्लियर यहाँ क्या लगाओगे ई लगाओगे क्लियर सॉरी यहाँ पे जे तो क्या बोलोगे तो इसका भी वॉइस रिकॉर्डिंग अगर आप मुझे भेज सको जो हमारा हम वॉइस रिकॉर्डिंग भेजते हैं व्हाट्सएप में सो दैट की आई कैन चेक योर प्रोनाउंसिएशन की य शर्ष टू शर्ष इल एंड शर्ष से क्लियर नू शर्षो वो शर्षे यही है ना कॉन्जुगेशन टेल मी यस एंड नो एंड इल एल शर्ष क्लियर सो अब आपका टास्क क्या है टेल मी योर टास्क यू हैव टू वॉच दिस लाइव सेशन अगेन इज इट क्लियर टू यू आफ्टर वॉचिंग लाइव सेशन आपको 20 वर्ब्स पहले तो आप इन वर्ब्स को लर्न प्रैक्टिस करोगे द मोंडे द तेस्ते ये प्रैक्टिस करने दो ने एक उते ए फासे ए तू दिए हमने अभी पहली भी वर्ब करी थी हमने कुछ वर्ब्स राइट इन वर्ब्स को लिख लिख के अपने माइंड में बिठाओगे वेरी इंपॉर्टेंट और 20 वर्ब्स को कॉन्जुगेट करोगे प्रेजेंट टेंस में कैन यू डू दैट ठीक है तो मैं आपसे भी लिंक शेयर कर रहा हूँ मुझे टास्क भेजो करके क्लियर ओके ठीक है क्लियर टू यू मुझे क्योंकि पहला दिन है मैं ज्यादा हैवी नहीं लेता हूँ सेशन क्योंकि मैं आपको एक बार चीजें आपकी रिदम में आ जाएं देन विल मूव ऑन इज इट क्लियर टू यू से क्लियर ठीक है तो clear. एक पूरा सेशन करके ना ठीक है उसको सुनो आप okay. मुझे भेजो जो प्रॉब्लम आ रही है मेरे को व्हाट्सएप करो ठीक है मैं आपको समझाता हूँ फिर दोबारा से क्लियर इज इट क्लियर टू यू ठीक है ठीक है मैं अभी आपसे एक लाइव सेशन शेयर कर रहा हूँ क्लियर ओके सर